क्लच दबाकर स्टार्ट करने की कोशिश करता हूँ। हे गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो सारे के सारे? आई होप गाइस बड़े होंगे। सो जैसा आप वीडियो को थंबनेल को देखकर समझ गए होंगे, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं। आप देख सकते हैं यह है अपनी कार की स्मार्ट की। तो गाइस, क्या आपने कभी सोचा अगर आपकी कार की स्मार्ट की खराब हो जाए तो आप अपनी कार को कैसे स्टार्ट वगैरह कर सकते हैं? तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको वही सब बताने वाला हूँ। कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकती है। सो गाइस, इसलिए वीडियो को एंड तक बने रहिए। जो है वीडियो को कम से कम स्किप कीजिए। ज़्यादा टाइम लगाते हैं, हम करते हैं अपनी वीडियो को स्टार्ट। अपना जो स्मार्ट किया वो वर्क नहीं कर रही है, आप देख सकते हैं। सेंटर लॉक भी वर्क नहीं कर रहा है। शिक्षा साथ हम अपना जो है कीलेस एंट्री वाला बटन भी दबाकर देखते हैं। सो ये भी वर्क नहीं कर रहा है। तो अब बात आती है हम कार के अंदर एंट्री कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें अपनी ये की निकालनी होगी। हम लोग जो है इस की से ऐसे अपनी कार के अंदर एंट्री करते हैं। आप देख सकते हैं कार अनलॉक हो चुकी है हमारी। तो गाइस, आप लोग जैसा देख सकते हैं जो कार का अपनी स्मार्ट की है वो बिल्कुल भी वर्क नहीं कर रही है। जैसा आप लोग देख सकते हैं स्पीडोमीटर में अगर हमारा इग्निशन वगैरह का भी कोई साइन फिलहाल नहीं है यहाँ पर। सो अगर हम अपने जो आप देख सकते हैं इस बटन को पुश करते हैं तो साफ साफ लिखा आता है कि की नॉट डिटेक्टेड। फिर बात आती है अब हम अपनी कार से स्टार्ट करेंगे। सो गाइस, आप देख सकते हैं ये कार जो है की डिटेक्ट नहीं कर पा रही है। आप देख सकते हैं इसका ये भी वर्क नहीं कर रहा है। तो इसी के साथ साथ हमें क्या करना होगा मैं आपको बता देता हूँ। आपको जो अपनी की है, आपको इस अपनी की का जो मतलब ये हेड होता है इधर, ये आपके की का हेड है। सो इसको आपको प्रेस करना है इससे बटन को। आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। सो आप लोग देख सकते हैं अपनी कार जो स्टार्ट हो चुकी है। इसी के साथ साथ आप कार को मतलब बंद करके मैं एक बार फिर दिखा देता हूँ आपको करके। आप देख सकते हैं फिर हमारी कार ये बता रही है की नॉट डिटेक्टेड। इसी के बाद हमें दोबारा ये करना होगा, अपनी की से जो है प्रेस करना होगा इसको। तो इस तरीके से अपनी कार जो है स्टार्ट हो सकती है। तो मैं जो इसका ये बैक साइड है इससे स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, इससे स्टार्ट नहीं होती। सो आपको इसका जो है अप साइड से ही स्टार्ट करनी होगी। आप देख सकते हैं फिर अपनी कार जो स्टार्ट हो चुकी है। तो गाइस, अगर आप लोगों को ये नहीं पता तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है, क्योंकि अगर आपके साथ एक सेकंड क्योंकि अगर आपके साथ ये ऑन रोड में प्रॉब्लम हो जाए तो आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। तो गाइस, इस वीडियो के जरिए मैंने आपको लोगों को तो मतलब कुछ बात पहुँचाने की कोशिश की है। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारी वीडियो को जो लाइक कीजिएगा। चाहे आप लाइक करिए या ना करिए, पर आप वीडियो को जो शेयर कर दीजिए, इससे अगर हमारे किसी भाइयों के पास ये पहुंच जाए जिन भाइयों को हमारे नहीं पता है। तो भाई चलिए, ज़्यादा टाइम लगाते हैं, हम कर देते हैं वीडियो को अपनी एंड। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।